आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। राजधानी लखनऊ में 3 जून को होने वाले थर्ड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर शानदार तैयारियां की जा रही हैं। दरअसल ये सेरेमनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मनाई जाएगी और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से लेकर लखनऊ एयरपोर्ट तक सुरक्षा व्यवस्था की खास तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में 3 जून को आयोजित होने जा रही तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियों की समीक्षा के लिए बुधवार शाम अपने सरकारी आवास पर बैठक की। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने जा रहे इस कार्यक्रम में 80,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए उनका शिलान्यास किया जाएगा। इस आयोजन के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। तो 3 जून को होने वाले इस कार्यक्रम के लिए काफी तैयारियां की जा रही हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर एक चीज की निगरानी कर रहे हैं, हर एक चीज पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, वो चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो, क्योंकि इसमें कई मुख्य अतिथि आने वाले हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल होने वाले हैं। ये तीसरा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है जिसमें निवेश बढ़ाया जाएगा, प्रदेश में निवेश लाने की एक कोशिश की जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार इस कार्यक्रम में 80,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारा जा सकता है और शिलान्यास किया जा सकता है। कई ऐसे भी पोस्टर और बैनर लगे हुए हैं रास्तों पर जो कि ये बता रहे हैं कि इन निवेशों से कितना बदलाव होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, साथ ही साथ कई एक्सप्रेसवे के लिए भी रास्ता खुलेगा। 3 जून को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रहा है और ये तीसरा है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जिसके लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए एक नई तस्वीर देखने को मिल सकती है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से निवेश लाया जा रहा है, निवेश के प्रस्तावों की बात करी जा रही है, 80,000 करोड़ के निवेश की बात करी जा रही है, तो इससे कितना फायदा होने वाला है उत्तर प्रदेश को? विभांशु, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं संपर्क नहीं हो पा रहा है संवाददाता से। तो इस बार जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है काफी खास है और पूरी तैयारियों में दिख रहा है लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जुड़ने वाले हैं। कई डेलीगेट्स हैं जो कि इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ एयरपोर्ट से लेकर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान तक का नजारा एकदम बदला हुआ है, सड़कों को सजा दिया गया है। अगर बात करी जाए कई चित्रों से भी सजाया गया है और रंगीन रोशनियों से सजाया गया है, साथ ही साथ सड़कों के किनारे भी जितनी साफ सफाई भी है, पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं, अलग से भी कुछ इंतजाम किए गए हैं, बिल्कुल सजा दिया गया है। पूरे रास्ते पर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम है और साथ ही साथ जिस तरह से लखनऊ में ट्रैफिक देखने को मिलता है तो उन ट्रैफिक पे नियंत्रण की भी पूरी कोशिश की गई है ताकि मेहमानों को किसी असुविधा का सामना ना करना पड़े। खबर पे हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं विभांशु। विभांशु, 80,000 करोड़ के निवेश की बात कही जा रही है, इतने बड़े निवेश से किस तरह से फायदा होगा उत्तर प्रदेश को? जी शिखा, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कल ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया है। आपको बताया कि इसे 3.0 कहा जा रहा है, 3.0 यानी कि तीसरा, और योगी सरकार का 2.0 का पहला इन्वेस्टमेंट समिट होगा। आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट समिट के लिए पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो कल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री के द्वारा दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा, जिसको लेकर राजधानी लखनऊ के एयरपोर्ट से और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान तक पूरे सड़कों को सफाई की गई है, साथ ही साथ पेंटिंग बनाई गई है और झालरों से पूरे पट दिए गए हैं और मानो ऐसा लग रहा है कि दुल्हन की तरह से इन पूरे सड़कों को सजा दिया गया है। वहीं आपको बताएं कि थर्ड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में प्रधानमंत्री मोदी की शिरकत के बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी और एयरपोर्ट से लेकर और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान तक
हर एक जगह पे जो कनेक्टिंग मार्ग है उन पे रूट डाइवर्ट किया गया, साथ ही साथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कों पे भी रूट डाइवर्ट किया गया है। इन सब जगहों पे बस वही लोग जाएंगे जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हो रहे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में आमंत्रित होंगे या उसे कवर करने जाएंगे। वहीं आपको बताएं कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से पहले आज लखनऊ के अंदर में 108 उद्योगपति देश विदेश से, साथ ही साथ अन्य अनेकों जगहों से आ रहे हैं जो अपने निवेश करने की इच्छा लेकर इस समिट में मौजूद रहेंगे। वहीं आपको बताएं कि स्वागत के लिए पूरी तैयारियां की गई हैं, एयरपोर्ट पर लोक संगीत नृत्य की तैयारी की गई है, साथ ही साथ आपको बताएं तो हुरका डांस से लेकर और जो प्राचीन डांस है जो उत्तर प्रदेश की पहचान है वो एयरपोर्ट पर रखा गया है, साथ ही साथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के गेट पर रखा गया है। और इस इन्वेस्टमेंट समिट से कहा यह जा रहा है कि लगभग 4 लाख से ऊपर नौकरियां का भी अवसर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं देखे तो जो कंपनियां आ रही है वो उत्तर प्रदेश के अंदर में अगर अपनी फैक्ट्री या अपने कंपनीज को लगाती है तो वाकई में एक रोजगार का अवसर प्रदान होगा। और वहीं अगर बात करें तो तीसरी बार हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो युवा है प्रदेश भर के वो इससे लेकर आशा अपेक्षा लगाए हुए हैं। चौधरी चरण सिंह से ऐसे लेकर और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि इस सेरेमनी में लगभग 1400 ऐसे तमाम विभिन्न चीजें होंगी जिसका शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जी विभांशु, अगर बात करी जाए निवेशकों की तो क्या उनके नाम की कोई सूची जारी हुई है, क्या उनके बारे में कोई जानकारी है कि कौन कौन से निवेशक इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं? जी शिखा, आपको बताएं कि मल्टीनेशनल कंपनी से लेकर और देशज कंपनियां तक इसमें सम्मिलित होंगी। इसमें खास तौर पे जो कंपनियां होंगी वो उसमें देखा जाए तो 100 करोड़ से ऊपर की कंपनियों को न्योता भेजा गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसमें कौन कौन सी कंपनी आती है, वो कल जब इनके जब ये अपने आप को प्रमोट करेंगे और निवेश की इच्छा जताएंगे तब ये सामने आएगा। मगर माना ये जा रहा है कि देश के प्रमुख जो कंपनियां हैं उसके जो कर्मचारी हैं, सीईओ हैं, वो आएंगे और उत्तर प्रदेश सरकार से अपने जो इन्वेस्टमेंट को लेकर अपने प्रस्ताव को देंगे। वहीं आपको बताएं कि कैबिनेट की तरफ से उद्योग मंत्री नंद गोपाल नंदी ने पहले ही जो उद्योगपति आ रहे हैं, जो इन्वेस्टर आ रहे हैं, उनका स्वागत करने को लेकर वो पूरी तरह से कल जाके सुरक्षा इंतजामात के साथ देखे, जिसमें उनके साथ सूबे के मुख्यमंत्री भी थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बार का इन्वेस्टमेंट समिट से कहीं ना कहीं प्रदेश का जो चौमुखी विकास है उसमें अग्रसर रहेगा। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि कल जो उद्योगपति आते हैं वो किस तरह से और कितने अपनी क्या कितने पैसे यहाँ इन्वेस्ट करते हैं और उससे क्या उत्तर प्रदेश की जनता को लाभ मिलता है। अब वही बताएं कि विभिन्न स्टॉल लगाए गए हैं, विभिन्न तरह के, जैसे बात की जाए मेडिकल टूरिज्म की बात की जाए, चाहे आईटी हब की बात की जाए, चाहे मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए, ये तमाम जो उद्योग के जगत में तमाम उत्पादन होते हैं इन सभी कंपनियों के द्वारा उनके डेमो भी दिखाए जाएंगे। वहीं आपको बताएं कि पश्चिम की तरफ से सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की बात कही जा रही है, उसके बाद दूसरे नंबर पर पूर्वांचल है और तीसरे पे मध्यांचल है और चौथे पर जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वो है। उत्तर प्रदेश के जो चार खंड है, जो चार उसमें बांटा गया है कि पूर्वांचल, मध्यांचल और पश्चिमांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखकर उद्योगपति अपने जो जगह के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट को लगाएंगे। वहीं आपको बताएं कि माना ये जा रहा है कि जहां उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार के दौरान आपने देखा कि फिल्म जगत के बढ़ोतरी को लेकर फिल्म सिटी बनाने की बात चल रही थी, तो माना ये जा रहा है कि कुछ ऐसे फिल्म जगत के भी इन्वेस्टर आएंगे जो अपनी इच्छा जाहिर करेंगे यहाँ फिल्म बनाने को लेकर, क्योंकि आपने देख भी है विगत कई सालों से उत्तर प्रदेश फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद रही है। चाहे बात की जाए ऐसे तमाम विभिन्न पिक्चरें आई
जिसमें उत्तर प्रदेश के लोकेशन को बेहद दर्शकों ने चाहा, तो उत्तर प्रदेश के अंदर तो निवेश करना तो चाहते ही ये लोग। अगर बात करें जय विभांशु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के आगमन की, तो उनके आगमन का क्या समय है, और साथ ही साथ जो सुरक्षा व्यवस्था की बात करी जाए या फिर सड़क यातायात की बात करी जाए, जितना भी ट्रैफिक होता है उन सबको डाइवर्ट करते हुए, ट्रैफिक को मैनेज करते हुए, तो इन सब चीजों के बारे में भी जानकारी चाहेंगे कम शब्दों में। जी शिखा, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विशेष विमान है वो अमौसी एयरपोर्ट पहुंचेगा, और अमौसी एयरपोर्ट से सड़क मार्ग के रास्ते 9 बजे वो पहुंचेंगे, 9 से 9:30 के बीच वो पहुंचेंगे, और उसके बाद सड़क मार्ग के रास्ते वो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान आएंगे। और इसको लेकर जो प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल के हिसाब से सुरक्षा होती है, वो पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ आपको बताएं कि एयरपोर्ट के बाहर एलआईयू की टीम और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के बाहर की एलआईयू की टीम भी लगा दी गई है, जो गुप्तचरी करके और ऐसे जो अजारक तत्व होंगे उन पर नजर रखेंगे। साथ ही साथ ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है। और आपको बताएं कि अभी अगर बात करें तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान अस्थायी रूप से पुलिस छावनी के रूप में तबादला हो चुका है। साथ ही आपको बताएं कि पुलिस बल के साथ सीआरपीएफ और सशस्त्र सीमा बल के भी जवान लगाए गए हैं, तो सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं। मगर चुनौती की बात करें तो जो ट्रैफिक पुलिस है उसके लिए काफी चुनौती का विषय होगा, क्योंकि लखनऊ के प्रमुख जो सड़कें हैं उसको कल बाधित रखा जाएगा, तो उन्हें मैनेज करने में कल काफी कड़ी मशक्कत देखने को मिल सकती है। जैसे बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे। खबर आगरा से है, जहां तेजो महालय को लेकर हिंदूवादी संगठन के लोगों ने प्रदर्शन किया और मुगल वंशज का पुतला बनाकर फूंका और नाले में फेंक दिया, जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस की पौत्री के खिलाफ तहरीर दी, और यहां ये लोग सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं, इस बात को भी कहा जा रहा है। और इस खबर पे हमारे संवाददाता जुशान जुड़ चुके हैं आगरा से। जुशान, पूरी जानकारी चाहेंगे, आखिर प्रदर्शन की वजह क्या देखने को मिली, और ये जो पुतला फूंका गया है इसके पीछे क्या वजह बताई जा रही है? शिखा, मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि ताजमहल को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजमहल देश व दुनिया की मोहब्बत की निशानी के रूप में प्रसिद्ध है। मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि ताजमहल पर जो जगत गुरु आचार्य पहुंचे थे उनके खिलाफ, और गोस्वामी और सुभाष चंद्र बोस की पोत्री के खिलाफ जस्सी प्रिंस ने एक तहरीर दी है, मुकदमा लिखवाने की बात कही है, जिसको लेकर आगरा में आज हिंदूवादी नेताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। हिंदूवादी नेताओं ने एसपी प्रोटोकॉल को एक तहरीर दी है, और उसमें उन्होंने मांग की है कि जस्सी प्रिंस जो हैदराबाद के हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और इनके खिलाफ मुकदमा भी लिखा जाए। जी बिल्कुल, अगली खबर भी बने रही, हमें जानकारी देते रहिए। इस खबर पे हमारे आगरा से संवाददाता जिशान जुड़े थे। आज कल उसने वीडियो एक वायरल करी थी, जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने हिंदू संतों के विषय में अपशब्द कहे थे, और आगरा पुलिस को एक तहरीर थाना ताजगंज के लिए उसने भेजी थी, जिसमें मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा था कि हिंदू संत और अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन जी राजश्री चौधरी जी माहौल खराब कर रही है, ऐसे में मुकदमा दर्ज करने के उसने कहा था। तो हमने जो आज प्रदर्शन किया, उसको उसके कर्मों के अनुसार एक उसके पुतले को जहन्नुम पहुँचाने का काम हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने किया है, और अगर आगरा प्रशासन इस बात पर मुकदमा दर्ज करता है तो हिंदू महासभा और उग्र। आगरा में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने एक बयान देते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में किसान सक्षम हो रहा है, वहीं मजदूर को उसकी मजदूरी मिल रही है, इसके साथ ही नगरों के मेट्रो से जोड़ा जा रहा है। कश्मीर में धारा 370 का मामला हो या फिर भगवान श्री राम जन्म भूमि का भव्य मंदिर का, सभी काम कुशलता और शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। जल जीवन शक्ति के विषय में हम
हम अंडरग्राउंड वाटर की पहले योजना बनाई थी, अब ये कहा गया है कि चूंकि आगरा में 15 में से 14 ब्लॉक डार्क है, इसलिए भूगर्भ वाला जल है ये बहुत समय तक नहीं चलेगा, इसलिए अब एक योजना बनी है टेंडरिंग प्रोसीजर में गंगा जल के द्वारा, जैसे शहर में आ रहा था अमृत योजना में, अब जल जीवन मिशन के तहत हर गाँव के मजरे को नल के द्वारा जल मिलेगा। और ज़्यादातर बीमारियाँ दूषित पानी के कारण हुआ करती थी, अब आप थोड़े समय बाद देखेंगे। आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने एक बयान देते हुए कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में किसान सक्षम हो रहा है, किसानों की बात कही है और किसानों के लिए जितनी योजनाएं लाई जा रही हों उनके ऊपर प्रकाश डालते हुए ये बात कही गई है। वहीं मजदूर को उसकी मजदूरी मिल रही है, इसके साथ ही नगरों को मेट्रो से जोड़ा जा रहा है, किसान मजदूर मेट्रो सभी पर बात करते हुए उन्होंने काम के बीजेपी द्वारा मोदी द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हों उनकी तारीफ करी है। और साथ ही साथ उन्होंने कश्मीर में धारा 370 का जिक्र भी किया, उन्होंने कहा कि कश्मीर में धारा 370 का मामला हो या भगवान श्री राम का भव्य मंदिर, सभी काम कुशलता और शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। तो मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं और ऐसे में सभी तरफ जश्न का माहौल है, बीजेपी जश्न मना रही है और उनके कार्यकर्ता नेता सभी उपलब्धियां गिनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। 8 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां लगातार गिनाई जा रही हैं और इसको देखते हुए केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने भी यह बयान दिया है। पीएम के नेतृत्व में किसान मजदूर सब सक्षम हो रहे हैं ये बात कही है, साथ ही साथ मजदूरों को उनकी मजदूरी मिल रही है, रोजगार मिल रहा है, इन तमाम बातों को कहते हुए नजर आए हैं मंत्री। तो आगरा से ये बात कहते हुए नजर आए हैं, पीएम के नेतृत्व में किसान सक्षम हो रहे हैं एसपी सिंह बघेल ने कहा है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री द्वारा जितने भी काम किए गए हैं 8 सालों में उनको भी गिनाते हुए नजर आए हैं एसपी सिंह बघेल, बयान दिया है उन्होंने, मीडिया से बात करते हुए अपनी उपलब्धियों को गिनाया है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो भी काम किए जा रहे हैं उनकी सराहना करते हुए, किसान मेट्रो जितने भी विकास के कार्य किए जा रहे हैं उन चीजों का जिक्र किया है, साथ ही साथ राम मंदिर का मुद्दा भी उन्होंने उठाते हुए उसकी भी तारीफ करी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसका श्रेय दिया है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता जिशान जुड़ चुके हैं आगरा से। जिशान, और क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं एसपी सिंह बघेल आज मीडिया से बात करते हुए? शिखा, मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि एसपी सिंह बघेल केंद्रीय कानून मंत्री है, उन्होंने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन रखा था नरेंद्र मोदी के 8 साल पूर्ण होने के बाद, और उन्होंने बताया है कि भारत अब सांप और सफेदों के देश का नहीं रहा है। भारत के प्रधानमंत्री के स्वागत पे अमेरिका जैसे राष्ट्रीय रेड कारपेट भी स्वागत पे है। आज पीएम मोदी के नेतृत्व में किसान सक्षम हो रहा है, वहीं मजदूर और उसकी मजदूरी भी मिल रही है। इसके साथ ही ताजनगरी आगरा की बात करें और अन्य प्रदेशों की बात करें तो मेट्रो का प्रयोग भी मिल रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से 8 साल पूरे हो गए हैं प्रधानमंत्री के कार्यकाल के और उनकी उपलब्धियां भी लगातार गिनाई जा रही हैं, और क्या कुछ कार्यक्रम का आयोजन देखने को मिल रहा है जिले में? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यालय में ये प्रेस वार्ता रखी। आज फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर ने भी एक प्रेस वार्ता रखी जिसमें सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी बताया है। और अगर हम बात करें गंगा जल की तो गंगा जल के प्रोजेक्ट के बारे में भी बताया गया है कि गंगा जल आगरा के शहरी और देहाती क्षेत्रों में गंगा जल हमने प्रोवाइड कराया है। लेकिन अगर हम जमीनी स्तर की अगर बात करें तो गंगा जल कुछ ही क्षेत्रों में पहुंचा है। हमने अभी कुछ दिन पहले भी प्राइम टीवी ने कई बार खबर चलाई थी पानी को लेकर, आगरा ही नहीं आगरा के देहातों में भी पानी की किल्लत भारी देखने को मिल रही थी, जो बड़े बड़े बुजुर्ग और बच्चे कई किलोमीटर दूर से पानी भरकर लेकर आते थे। आज भी शहरी क्षेत्रों में जी पानी की समस्या बिल्कुल बनी हुई है, तो क्षेत्रीय वासी हैं लगातार अधिकारियों के और नगर निगम के चक्कर काट काट के थक गए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता आगरा से जिशान जुड़े थे।
मुरादाबाद में अतिक्रमण की कार्रवाई देखने को मिल रही है। सट्टा माफिया मोहम्मद अजीम के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी है और माफिया अजीम की करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति पर अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि करोड़ों की चार मंजिला बिल्डिंग पर कार्रवाई चल रही है, भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, करोड़ों की संपत्ति है जिसपे पुलिस प्रशासन ने एक्शन लिया है और पुलिस प्रशासन पुलिस बल के साथ मौजूद है। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरह से पुलिस प्रशासन मौजूद है। अवैध करोड़ों की संपत्ति पर पुलिस ने अब एक्शन लिया है। माफिया अजीम की करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति पर एक्शन लिया जा रहा है। जो लगातार सरकार माफियाओं की संपत्ति पर एक्शन लेती है, माफियाओं पर एक्शन मोड में नजर आती है। कोतवाली क्षेत्र का निवासी अजीम सट्टा माफिया है। इसके संबंध में गैंगस्टर एक्ट के मुकदमा थाना नांगफनी पर पंजीकृत कराया गया था। इसी गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे के तहत इसकी संपत्तियों का आकलन करके 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के तहत माननीय जिला मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश के अनुपालन में आज ये मोहम्मद एक सट्टा माफिया भी है, साथ ही गैंगस्टर एक्ट के तहत इसके ऊपर मुकदमे दर्ज है। कई कार्यवाही की जा रही है और इसके अवैध संपत्तियों के ऊपर भी अब कार्यवाही की जा रही है। भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। तस्वीरों देख सकते हैं किस तरह से ये आलीशान संपत्ति बनाई गई है और अवैध संपत्ति है ये, जिसके ऊपर अब सरकार का एक्शन देखने को मिल रहा है। पुलिस फोर्स भी भारी संख्या में मौजूद है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है, करोड़ों की चार मंजिला बिल्डिंग पर कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इस चार मंजिला बिल्डिंग की भव्यता क्या है। अवैध संपत्ति है ये एक, और जिस तरह से अवैध तरीके से इसको बनाई गई है और इस पे जो आरोपी है उसके ऊपर कई मामलों में धाराओं के साथ अब कई मामले दर्ज हैं और इन्हीं चीजों को देखते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत अब ये कार्रवाई की जा रही है। भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। मुरादाबाद से ये खबर सामने आ रही है। माफिया अजीम की जो कि एक सट्टा माफिया है, इसको सट्टा माफिया के नाम से भी जाना जाता है। गैंगस्टर एक्ट के तहत भी इसके ऊपर कई धाराएं लगी हुई हैं, कई मामलों में इसका नाम है और अब इसके ऊपर आज कार्रवाई की जा रही है। इस खबर पर हमारे संवाददाता मुरादाबाद से शाहरुख हुसैन जुड़ चुके हैं। शाहरुख, पूरी जानकारी चाहेंगे, किन किन मामलों में इस सट्टा माफिया पर मामले दर्ज है? देखिए, आपको बता दूं, ये मुरादाबाद से आज जो कार्रवाई की गई है, मुरादाबाद के कोतवाली थाना क्षेत्र से बालीहाड़ वाली गली में की गई है, जिसमें यहाँ पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची है। यो क्षेत्र अधिकारी भी मौके पर हैं और भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। वहीं जब हमने इस बारे में क्षेत्र अधिकारी से बात की तो उनका कहना है कि सट्टा माफिया मोहम्मद अजीम काफी समय से सट्टे का कार्य कर रहा है और उस पर अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज है। इतना ही नहीं, अन्य जनपदों में भी उस पर कई मामले दर्ज है और थाना नागपनी पुलिस उसे गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है, जिसके बाद गैंगस्टर की कार्रवाई भी की गई थी और आज पुलिस ने उसके घर पे पहुंचकर बड़ी कार्रवाई की, जिसमें लगभग 3,29,00,000 रुपए की 29,00,000 की संपत्ति कुर्क की है। जी, संपत्ति कुर्क कर दी गई है और क्या इसकी और भी संपत्तियां हैं जिनके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी? देखिए, आपको बता दूं, पुलिस अभी इस मामले में जांच कर रही है और जिस तरीके से जहां ये रह रहा था आवासीय मकान है, उसमें आज पुलिस ने कार्रवाई की तो वहां पर काफी पक्षी भी थे, जिसमें कबूतर पाए गए, वो अलग अलग काफी महंगे कबूतर बताए जा रहे हैं और ये कबूतरों का शौकीन भी था। बताया जा रहा है सूत्रों से कि ये जो कबूतर बाजी होती है उसमें भी ये सम्मिलित है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस जब यहाँ पर पहुंची इस मकान पर सीलिंग की कार्रवाई करनी है तो उसकी माँ वहां पर मौजूद थी, बताया जा रहा है वो बीमार थी, तो पुलिस ने जिला अस्पताल से डॉक्टर बुलाकर जांच करवाकर सीलिंग की कार्रवाई की है। आवासीय मकान में पुलिस का कहना है कि अभी 3 महीने का इन लोगों को टाइम दिया है, कुछ हिस्सा छोड़ा जाएगा जिसमें वो दे सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता शाहरुख हुसैन जुड़े थे। चार बजे की चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।